पूरी 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 पूरी। अरे बहू, मेरी पत्तल में पूरी डाल दो, ज्यादा नहीं हो तो दो ही दे देना, काम चला लूंगा। अरे काका, इस तरह से मन को तरसा कर खाना भी कोई खाना थोड़ी हुआ, पेट भर कर खाइए, दो की जगह चार पूरी खाइए। धन्यवाद बहू, थोड़ी सी सब्जी और मिल जाती तो। तभी दूसरी बहू रेखा बाल्टी में सब्जी लेकर आती है और सब्जी देती है। गांव के दो व्यक्ति जो कि लाइन में बैठे दावत खा रहे हैं, आपस में पांचों बहुओं की बड़ाई कर रहे हैं। सच में सुरेंद्र भाई, जो भी कहो, राम प्रसाद जी ने खाने पीने की व्यवस्था बड़ी अच्छी की है, और खाने के स्वाद ने तो पुराने जमाने की यादें ताजा करवा दी, वरना ऐसी पत्तलों में खाना तो पहले की शादी ब्याह में चलता था। तब गरीबी ज्यादा हुआ करती थी, लोग इसी तरह से जुगाड़ लगाकर व्यवस्था बिठाते थे। 100 पैसे सच बात बोला तुमने पप्पू भाई, पहले तो शादी ब्याह या किसी बच्चे का छठियार हो, हर दावत में इसी तरह से पूरी सब्जी हलवा पत्तल में खाते थे। वैसे राम प्रसाद जी की पांचों बहुएं सर्वगुण संपन्न है, बिल्कुल हलवाइयों की तरह टू कॉपी खाना बनाया है। रत्ना भाभी, आपके तो भाग खुल गए। गांव वालों के मुंह से प्रशंसा सुनकर बुजुर्ग रत्ना देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। राम प्रसाद के घर में आज पूरे गांव देहात के लोग बैठकर खा रहे हैं। वहां का नजारा देखने लायक है। लोग लाइन में बैठे हुए उनके आगे पत्तल बिछे हुए हैं, जिसके अंदर किस्म किस्म का खाना है, मानो जैसे राम प्रसाद जी के घर में शादी समारोह छाया हुआ हो। सभी के चेहरे पर खुशी और उत्साह है। तभी नम आंखों से रत्ना देवी अपनी पांचों बहू की ओर देख कर कहती है, राम प्रसाद जी, आज तो मेरी पांचों बहुओं ने ये साबित कर दिया कि बहू केवल लक्ष्मी का रूप नहीं बल्कि साक्षात अन्नपूर्णा भी होती है। सच में रत्ना, ये तो हमारी पांचों बहुएं थीं जो इन्होंने हमारी इज्जत रख ली, वरना हालात तो ऐसे पैदा हो गए थे कि गांव समाज के सामने भारी बेइज्जती हो जाती हम लोगों की। आखिर इस परिवार पर ऐसे कौन से हालात पैदा हुए थे जिनके बारे में रत्ना देवी और राम प्रसाद जी बातचीत कर रहे हैं, जानने के लिए कहानी के पिछले भाग में देखते हैं। तेज धूप की रोशनी से मोहल्ले में बने नए नए टाइल लगे घर, जो कि हाल फिलहाल में बिल्कुल नया बना है, चमक रहा है। नए घर के बीच में एक घर ऐसा भी है जो काफी पुराना और बदसूरत से हाल में दिखाई दे रहा है। पेंट उतरने के चलते दीवार बिल्कुल फीकी हो चुकी, छत का छज्जा भी बिल्कुल कमजोर सा हो चुका है। वहीं मिट्टी के कच्चे आंगन में रत्ना देवी सूप में मसाले फटक रही है। हे राम जी, मसाले में से कितना धास उड़ रहा है, मिर्ची फटकने में ये हालत हो गई, जब ओखली में मिर्ची कूटूंगी तो जाने क्या होगा। हाँ तो किसने कहा है आपको मिर्ची कूटने के लिए अम्मा, और इतने सारे मसाले का आप क्या करने वाली हैं? इन मसालों की खिचड़ी बनाकर तुम सबको खिलाऊंगी। अरे मेरे बेअकल बेटो, इतने सालों से अपनी माँ को अचार डालते देख रहे हो, फिर भी ज्ञान बुद्धि नहीं हुई? इस बार सर्दियों में भी सब्जियों का भाव नहीं घटने वाला है, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी कच्ची अम्बी नींबू के अचार लगा दूं। इसका मतलब माँ, आप हम सबकी सर्दी के अच्छे खासे मौसम में भी अचार रोटी खिलाने वाली हैं। मैंने तो सोचा था कि इस बार सर्दियों के मौसम में आप हमको मेथी के, आलू के, पालक के, पनीर के, इन सब के पराठे बनाकर देंगी। अरे तो किसने कहा था ये ख्याली पुलाव पकाने को? जितना तुम पांचों मुझको कमा कर देते हो ना, मुझको पता मैं कैसे घर चलाती हूँ, बीवियाँ नहीं चलाएंगी तुम्हारी। ओहो माँ, आप फिर से शुरू हो गई, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। पांचों भाई हाथ मुंह धोकर खाने बैठते हैं। रत्ना सभी को खिचड़ी और आलू का चोखा परोस कर देती है। ये लो गर्मा गर्म अरहर दाल की खिचड़ी और आलू का चोखा, चलो जल्दी से खा लो। पांचों भाई थाली में खिचड़ी चोखा देखकर चिढ़ जाते हैं। क्या माँ, आपको पता है ना हम पांचों में से किसी को भी खिचड़ी चोखा पसंद नहीं, फिर क्यों बनाया? मुझे नहीं खाना है। अरे प्रकाश, ऐसे खाने पर गुस्सा नहीं करते, अन्न देवता का अपमान होता है, और शनिवार के दिन खिचड़ी चोखा खाने से ग्रह दूर होता है। रहने दो माँ, कल रात भी तुमने दाल चावल उबाल दिया था, सारा दिन हम लोग गधों की तरह मेहनत मजदूरी करके तुम्हें सारा राशन लाकर देते हैं, फिर भी अच्छा खाना नहीं बनाती हो। बस बहुत नखरे हो गए तुम सबके, एक तो इस उम्र में मैं तुम पांचों को पका कर खिला रही हूँ, वरना सबके घर में बहू आ गई मुझको छोड़कर। कल हम लड़की देखने चल रहे हैं, समझे? और खबरदार जो तुम में से किसी ने चूं तक कसी। अगले दिन रत्ना पांचों बेटों को लेकर दयानंद के घर लड़की देखने आती है। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा गोमती, लड़के वालों का स्वागत सत्कार कैसे करेंगे? बड़ी मुश्किल से तो पंडित जी ने ऐसा रिश्ता बताया है जहाँ पांच भाई हैं। वही तो मैं भी सोच रही हूँ जी, ज्यादा नहीं तो नाश्ता पानी तो करवाना पड़ेगा, मगर हाथ तंग हैं, काश कहीं से कोई जुगाड़ लग जाता। तभी गोमती की पांचों जुगाड़ू बेटी पूनम, विद्या, चंदा, रेखा, किरण आती हैं।
माँ पिताजी, आप दोनों अपनी जुगाड़ बेटियों के रहते क्यों चिंता करते हैं? सब हो जाएगा, हम पर भरोसा रखें। पांचों रसोई घर में आती हैं, जहाँ थोड़ा आटा, आलू और मैदा था, जिससे वो समोसे, कचौड़ी, गुलाब जामुन बनाकर तैयार करती हैं और परोसती हैं। बहन जी, यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये समोसे, कचौड़ी, मिठाई, हलवाई के यहाँ के नहीं है। तारीफ के लायक हैं आपकी बेटियाँ। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का। अब तो मुझे बस उस दिन का इंतजार है और मेरा दिल तरसता रहेगा जब तक मैं अपनी बहू के हाथों की पहली रसोई का खाना ना खा लूं। इनसे तो मैं खूब सारी चीजें बनवाऊंगी। कुछ दिन में शादी करके पांचों बहू ससुराल आ जाती हैं और पहली रसोई का पल भी आ जाता है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। हंसते मुस्कुराते हुए पांचों ने रसोई में प्रवेश किया। प्रणाम माँ जी, आप जल्दी से बता दीजिए पहली रसोई में आप अपनी पांचों बहू के हाथ से क्या खाना पसंद करेंगी। हाँ माँ जी, बता दीजिए ताकि हम तैयारी शुरू कर सकें। तभी रसोई घर में छाई अनाज की तंगी के कारण सास की आंखों से आंसू छलक गए, जिसे देखकर चौथी बहू चंदा ने कहा, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है? घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है बहू। सारी जमा पूंजी शादी के खर्चे में लग गई, रसोई में सामान भी नहीं जुटा सकी। आज तुम पांचों की पहली रसोई है और रसोई में पूरी सामग्री भी मौजूद नहीं है। रहने दो बहू। नहीं माँ जी, पहली रसोई तो आज ही होगी, आप केवल अपनी जुगाड़ बहू पर भरोसा रखिए। पांचों रसोई में देखती हैं, जहाँ ओखली में थोड़े से धान और गेहूं के अलावा और कुछ भी नहीं था। रसोई के अंदर तो गेहूं और धान के अलावा कुछ भी नहीं है, पहली रसोई कैसे करेंगे? साग सब्जी तो है ही नहीं, तेल मसाले वगैरह भी बहुत थोड़े ही हैं। रेखा, इंसान अगर चाहे तो सब हो जाता है, हम कुछ न कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, बस इतना कि हलवा पूरी सब्जी बना सके। तभी किरण आंगन में भूसादानी के ऊपर लगे पेठे की हरी भरी बेल देखती है। ये देखो, हमारे घर के अंदर ही कितने पीले पीले पके हुए पेठे हो गए हैं। इससे तो सब्जी भी तैयार की जा सकती है और हलवा भी बनाया जा सकता है। बाकी पास में जंगल है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं, क्या पता थोड़ी और सब्जी मिल जाए। ठीक है, जब तक मैं गेहूं पीस लेती हूँ और चंदा तुम धान कूटकर चावल निकाल लो, खीर भी बना लेंगे और पुलाव भी। कुछ समय बाद पांचों जुगाड़ू बहू जंगल के अंदर आती हैं, जहां उन्हें जंगली सब्जियां जैसे कि जंगली हरी गोभी, मटर, मिर्च, टमाटर भी मिल जाता है, जो आमतौर पर कहीं भी उग सकता है। इसके अलावा वो ईंधन के लिए लकड़ी भी ले आती हैं और कुछ ही घंटों में पहली रसोई का सारा खाना तैयार कर लेती हैं। सचमुच, आखिर हम पांचों ने जुगाड़ लगाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर ली, चलो खाना परोसा जाए। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी और तभी गांव के ढेर सारे लोग बिन बुलाए खाने पर आ जाते हैं और सुरेंद्र दास बोलते हैं, अरे क्यों भाई रामप्रसाद जी, घर में दावत रखी हुई है और हमको खबर भी नहीं दी, इसलिए हम खुद आ गए खाने। हे भगवान, एक तो कैसे कैसे मेरी पांचों बहू ने अपने जुगाड़ से पहली रसोई का खाना बनाया, उसमें भी सारा गांव खाने चला आया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना, आज तो भारी बेइज्जती हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, खाना तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए प्लेट कहाँ से लाएंगे? अरे हमारे घर के पीछे पत्तल बनाने वाले पेड़ों की गाछी है, मतलब केले के पेड़, हम दोनों जाकर वहाँ से पत्ते तोड़कर लाते हैं, हम सबको केले के पत्तों में खाना खिलाएंगे। इस तरह पांचों गरीब बहू अपनी सूझबूझ से एक और नया जुगाड़ लगाकर पत्तल तैयार करके खाना परोसती हैं और पूरा गांव इनकी पहली रसोई का खाना बड़े चाव से खाता है। सब लोगों को खाना खाते देखकर कितनी खुशी हो रही है ना, सचमुच में हमारा आंगन लोगों से जगमगा जो रहा है। चलो हमारे जुगाड़ से सब कुछ पूरा हो गया। अंत में खाकर जाते हुए लोग पांचों जुगाड़ू बहू को नेक देकर जाते हैं, कोई 51 रुपए देता है, तो कोई 101, तो कोई 201, जिससे उनके पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। देखो हमारी जुगाड़ पहली रसोई में हमें कितना नेक मिला है। माँ जी, हम पांचों ने सोचा है इस पैसों का सही इस्तेमाल करके खुद का एक ढाबा खोले ताकि परिवार आगे बढ़े। जुग जुग जीती रहो मेरी जुगाड़ू बहुओं, तुम पांचों ने अच्छा सोचा है, खूब तरक्की करो। चलिए अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं, हमें पता है आप सबके पेट में भी भूख के मारे चूहे दौड़ रहे होंगे। आखिर में पांचों जुगाड़ू बहू ससुराल वालों के साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाती हैं। जहाँ कुछ लड़के उन्हें नहाते हुए देखते हैं और खूब मजे लेते हैं। अरे ये देखो, तीनों शहरी तितलियाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नदी में नहा रही हैं। बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तीनों यहाँ नहा रहे हैं और तुम तीनों यहाँ खड़े होकर हमें नहाते हुए देख रहे हो। अरे जब तुम तीनों शहरी लड़कियों को नदी में नहाने में शर्म नहीं आ रही तो हमें देखने में क्यों आएगी शर्म? अनिकेत, हम तीनों कभी गांव नहीं गए और तुम हम तीनों को गांव लेकर जा रहे हो।
निकिता बिल्कुल सही कह रही है, मैं गांव नहीं जाने वाली। मैंने सुना है गांव में ना तो शौचालय होता है और ना ही बाथरूम, यहाँ तक कि गांव में बिजली भी नहीं है, और इतनी गर्मी में मैं बिना लाइट के नहीं रह सकती। अगर नहीं जा सकती हो तो यहाँ पर रहकर कर्जदारों के ताने सुनो। अरे देख नहीं रही हो क्या, तुम तीनों के पिताजी की वजह से हम तीनों भाई कर्ज में डूब गए हैं और ये सारे कर्जदार हमें आकर परेशान करते हैं। हाँ तो मेरे पापा ने वो कर्ज भी तुम तीनों नालायकों के लिए ही लिया था, ताकि तुम्हारे लिए कोई बिजनेस खड़ा कर दे, पर तुम तीनों से कुछ काम धाम होता तो है नहीं, तुम्हारी वजह से वो बिजनेस डूब गया, और जब बिजनेस तुम्हारी वजह से डूबा है तो कर्ज भी तुम ही चुकाओगे। अरे हमारी माता, चलो यहाँ से। तुम तीनों को स्विमिंग पूल में नहाने का बहुत शौक है ना, तो यहाँ पैसे देकर स्विमिंग पूल में क्यों जाना। तुम गाँव चलो, वहाँ बहुत बड़ी नदी है, उसे तुम अपना स्विमिंग पूल समझकर जब दिल करे तब नहाने के लिए चले जाना। क्या सच में? चलो फिर तो हम भी निकलते हैं गांव के लिए। निकिता, प्रिया और ममता तीनों ही बहन थीं और उन तीनों को ही स्विमिंग पूल में नहाने का बहुत शौक था। वैसे तो वह तीनों गांव नहीं जाना चाहती थी, पर जैसे ही उन तीनों को पता चला कि गांव में नदी है और उन्हें खुले में नहाने को मिलेगा, तो वह तीनों अपना सामान पैक करके अपने पतियों के साथ गांव जा पहुंचती हैं। ओह माय गॉड, ये तो सच में गांव है, देखो ये घर भी गांव जैसा बिल्कुल मिट्टी का है। सही कहा तुमने निकिता, और इधर देखो घर के बगल में ही इन्होंने सब्जी की खेती भी कर रखी है। अरे बेटा, तुम तीनों तो कह रहे थे कि तुम तीनों अपनी शहरी बीवियों को लेकर आ रहे हो, जो कि बहुत समझदार हैं और यहाँ की औरतों की सोच बदल देंगी, पर तुम्हारी बीवियों को तो देखकर लग रहा है तुम कोई कार्टून घर में उठा कर ले आए हो। माँ, ये तीनों पहली बार शहर से गाँव में आई है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही है। आप इन तीनों की हरकतों पर ध्यान मत दो, और तुम तीनों बाहर धूप में ही खड़ी रहोगी या अंदर भी चलोगी? ओ हाँ, सही कहा, चलो मेरी प्यारी बहना, अब अंदर से भी घर देखते हैं। इस तरह आशा अपनी तीनों शहरी बहुओं के साथ घर में जाती है और अपनी बेटी बबीता को अपनी भाभियों को खाना देने के लिए कहती है। बबीता बेटा, तेरी तीनों भाभी शहर से आई है, उनके लिए खाना परोस दे, धीरे धीरे ये यहाँ रहकर यहाँ के तौर तरीके भी सीख जाएंगी। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभियों को, तो मैं एक हफ्ते में बिल्कुल गांव की बहू बना दूंगी। भाभी आपको गांव पसंद है ना, आप यहाँ की बहू की तरह बनकर रहोगी ना? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, मैं इस गांव में आकर गांव की बहू की तरह साड़ी पहनकर घर में नहीं रह सकती, हम जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। वैसे हम तीनों को फ्रेश होना था, बाथरूम कहाँ है बता सकती हो? भाभी यहाँ पर बाथरूम या शौचालय नहीं है, यहाँ पर सभी लड़की औरत और बहू को खुले में ही जाना पड़ता है, और अब तो शाम हो रही है, आप इस वक्त नदी पर नहाने के लिए भी नहीं जा सकती। पर क्यों अनिकेत, मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम तीनों भाइयों ने तो हमसे कहा था कि हम गांव में जाकर नदी में नहा सकते हैं, और तुम्हारी बहन तो मना कर रही है। अरे बहू, गांव में सब नदी में ही नहाते हैं और तू भी नदी में ही नहाना, पर इस वक्त नदी पर कोई नहीं होगा। नदी पर नहाने का सही टाइम सुबह के 5 से 6 बजे के बीच का है, कल सुबह तुम तीनों हमारे साथ नदी पर नहाने के लिए चलना। आशा की ये बात सुनकर आशा की तीनों शहरी बहू का मुंह बन जाता है और वह सुबह होने का इंतजार करती हैं। अब सुबह 5 बजते ही सारी औरतें हाथों में लोटा और कपड़े लिए खेत पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर निकिता, प्रिया और ममता भी अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर रेडी हो जाती हैं। अरे बहू, तुम तीनों ने ये कैसे कपड़े पहन लिए, ऐसे कपड़े पहनकर जाओगी नदी पर नहाने? हाँ तो क्या हुआ माँ जी, वैसे भी हम नदी में नहाने जा रहे हैं और नहाने की यही ड्रेस होती है, हमारे पास एक्स्ट्रा भी है, अगर आपको और बबीता को चाहिए हो तो आप दोनों भी ले सकती हैं। नहीं नहीं भाभी, मुझे ऐसी ड्रेस नहीं पहननी, मुझे शर्म आ रही है, और आपसे भी एक बात कहनी थी, यहाँ से नदी बहुत दूर है, आप रोड पर ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी तो आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरी मानो तो अभी साधारण सा सूट या साड़ी डाल लो, नदी पर जाकर भले छोटे कपड़े पहन लेना। वैसे बबीता का भी कहना ठीक ही है, तो ठीक है हम अभी फिलहाल के लिए सूट डाल लेते हैं। बबीता के समझाने पर वह तीनों साधारण सा सूट डाल लेती हैं और अपनी सास और नंद के साथ मिलकर नदी पर जाती हैं, जहां कुछ औरतें पहले से ही नदी में नहा रही होती हैं। नदी में इतनी सारी औरतों को नहाता देख उन तीनों की खुशी दुगनी हो जाती है और वह तीनों एक दूसरे से कहती हैं, वो सारी औरतें कितने मजे से नहा रही हैं, चलो बहनों हम भी इस नदी में गोते लगाते हैं। भाभी आप इन कपड़ों में नदी में नहाने जाओगी, आप जो अपनी वो छोटी छोटी ड्रेस लाई हो उसका क्या? अरे हाँ, सही याद दिलाया तुमने बबीता, मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अब गांव में ही रहूंगी और इस खुले आसमान के नीचे बड़ी सी नदी में नहाऊंगी। इतना बोलकर वो तीनों अपनी ड्रेस बदल लेती हैं और नदी में जाकर मजे से नहाने लगती हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आशा अपनी तीनों बहू के साथ सुबह नदी पर नहाने के लिए जाती है। समय के साथ धीरे धीरे आशा की तीनों बहू भी गांव के रंग में ढलने लगती हैं, पर उनका नदी में नहाने का शौक धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ऐसे ही एक शाम, निकिता प्रिया आज गर्मी ज्यादा हो रही है, चलो ना नदी से नहाकर आते हैं। इस वक्त
पर इस वक्त नदी पर कोई नहीं होगा और अगर सासू माँ को पता चला तो वो बेकार ही नाराज होंगी। अरे निकिता तुम ज्यादा सोच रही हो, अगर तुम्हें नहीं चलना तो रहने दो, हम दोनों तो जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी चलूंगी और वैसे भी बबीता और माँ जी खेत में है, उनके आने से पहले हम तीनों वहां से नहाकर आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह आशा की तीनों बहुएं घर में किसी के ना होने का फायदा उठाती हैं और नदी पर नहाने के लिए चली जाती हैं, जहां कुछ लड़के उन्हें नहाते हुए देखते हैं और खूब मजे लेते हैं। अरे ये देखो तीनों शहरी तितलियां स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नदी में नहा रही हैं। बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तीनों यहाँ नहा रहे हैं और तुम तीनों यहाँ खड़े होकर हमें नहाते हुए देख रहे हो। अरे जब तुम तीनों शहरी लड़कियों को नदी में नहाने में शर्म नहीं आ रही तो हमें देखने में क्यों आएगी शर्म? जब तीनों को अच्छे से मालूम है कि इस गांव की औरतें सुबह नदी पर आकर नहाती हैं, तो क्या जरूरत है तुम तीनों को खुले में यहाँ पर इस समय नहाने की? तुम अपनी औकात में रहो, तुम्हारी वजह से इस गांव की बहू बेटियां नदी पर नहाने नहीं आ पाती, तुम्हारी वजह से हम औरतों को अंधेरे में नहाना पड़ता है। तुम लोग नहीं जानते पर तुम जैसे लड़कों की वजह से हमारी बेचारी लड़कियां खुद को कितना अनसेफ फील करती हैं। पर हम गांव की भोली भाली नहीं बल्कि शहर की लड़कियां हैं और हम अपने साथ साथ इस गांव की औरतों को भी इस नदी में खुलकर नहाना सिखाएंगे और तुम जैसे लोगों को सबक सिखाएंगे। उन तीनों की ये बात सुनकर वो बदमाश लड़के वहां से भाग जाते हैं और अगले दिन फिर शाम को आशा की तीनों शहरी बहुएं जबरदस्ती अपनी नंद के साथ नदी पर नहाने के लिए आती हैं और इस बार कुछ गुंडे वहां जाकर बबीता और उसकी तीनों भाभियों को छेड़ने लगते हैं। यहां के लोगों की बदतमीजियां ना बढ़ती जा रही है, अब हमें कुछ करना होगा। भाभी हम कुछ नहीं कर सकते, आप तीनों शहर की बहुएं हैं इसलिए आपको नदी में शाम के टाइम में किसी के सामने खुले में नहाने में शर्म नहीं आती, पर हमें आती है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना बोलकर बबीता वहां से रोते हुए चली जाती और वो तीनों शहर की बहुएं पुलिस स्टेशन जाकर उन गुंडों की रिपोर्ट लगवा देती हैं। देखो बहन, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने कुछ गलत किया है, आप तीनों ने जो कदम उठाया वो बहुत अच्छा था, पर मुझे लगता है कि आपको अपने गांव की औरतों को नदी में नहाने से ज्यादा प्रेरित गांव में वॉशरूम बनाने के लिए करना चाहिए। अगर गांव में बाथरूम होगा तो किसी को नदी पर आना ही नहीं पड़ेगा और उन्हें खुले में नहाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और रही खुले में नहाने की बात, तो ये आप लोग अपनी मर्जी से खुले में जब चाहे तब नहा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बदतमीज लड़कों को गिरफ्तार करना हमारा काम है। थोड़ा सहयोग आप करिए, थोड़ा सहयोग हम करेंगे। आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आखिर हम कितने बदमाशों को जेल में पकड़कर डलवाते रहेंगे, इससे अच्छा है कि हम गांव में वॉशरूम बनवा लें। और रही नदी पर नहाने की बात, तो वहां पर भी हम कुछ वॉशरूम बनवाएंगे ताकि औरतें नहाकर आसानी से कपड़े बदल सकें और कोई बदतमीज आदमी उन्हें देख ना सके। शहर की तीन बहुएं गांव में नदी में नहाने के लालच से आती हैं, पर गांव की ऐसी स्थिति देखकर वह तीनों गांव के लोगों को सही रास्ता दिखाती हैं और अपने घर में साथ ही साथ नदी के पास भी कुछ वॉशरूम बनवाती हैं। और अब उन तीनों से प्रेरित होकर गांव की औरतें और बहुएं भी अपने घर में बाथरूम बनवाती हैं और उनका इस्तेमाल करती हैं, और अगर कभी नदी में नहाने के लिए भी जाती हैं तो वहां भी आराम से नदी पर नहा पाती हैं और वहीं पर कपड़े भी बदल पाती हैं और कोई बदतमीज लड़का या आदमी उनके साथ बदतमीजी भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद अपनी समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा, कोई आकर हमारी मदद नहीं करेगा। क्या आपके गांव में भी नदी है जिसमें आप नहाना पसंद करते हो? जल्दी जल्दी हमें कमेंट में बताएं कि आप पहली बार कहां और कौन सी नदी में नहाए थे। और ऐसी अमेजिंग कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।